हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रेगनेंसी का बहुत ही अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी चल रही है। आज के हम इस वीडियो में बहुत ही सटीक और ठोस लक्षण के बारे में जानेंगे कि जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो कुछ बॉडी में बदलाव होते हैं जो संकेत बताता है कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। आप कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे मैं काफ़ी पॉजिटिव फील करती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी पॉजिटिव फील करें। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी जरूर लिखिएगा पॉजिटिव फील करने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो शुरुआती में कई सारे लक्षण आपके बॉडी में दिखने लगते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। हालांकि हो सकता है आप मानसिक लक्षणों पर नोटिस नहीं करते होंगे, लेकिन शारीरिक लक्षण पर किसी ने नोटिस ज़रूर किया होगा। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा खट्टा खाना पसंद आना, या बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद आना, या चटपटी चीज़ें खाना पसंद आना, या लिक्विड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पीना पसंद आना, या आपको यानी कि लिक्विड वाली चीज़ें पसंद नहीं आती है। यही तो हो सकता है, या तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है कोई चीज़ प्रेगनेंसी के दौरान, या तो आपको पसंद आती ही नहीं है, बदबू जैसा आपको उससे स्मेल महक बदबू जैसा आने लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा चटपटी और खट्टी चीज़ें खाना पसंद हो रहा है तो इसका क्या संकेत है बेबी बॉय होने का या बेबी गर्ल होने का। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा खट्टी चीज़ें और चटपटी चीज़ें पर ध्यान देते हैं तो यह एक बहुत ही सटीक और ठोस लक्षण माना जाता है कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव किया है। बेबी बॉय कंसीव करने पे खट्टी चीज़ें की ओर थोड़ी ज़्यादा ही आकर्षण जाता है। अगर महिला ने बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद कर रही है, जैसे कि आपको मीठा खाना फेवरेट हो गया है, आपको बहुत ही ज़्यादा मीठा भा रहा है, तो यह एक बहुत ही ठोस और सटीक निशानी है कि महिला ने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। ये सारे जो सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमानित सिम्टम्स है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं। काफ़ी महिलाओं पर सिम्टम्स सटीक भी बैठा है, लेकिन इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। चलिए, ये भी बोला जाता है कि अगर महिला को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा यानी कि लिक्विड वाली चीज़ें पसंद आती है, लिक्विड वाली चीज़ें मतलब कि जैसे कि जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोको कोला हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पीना पसंद आ रहा है, तो यह एक बेटी होने का यानी कि लड़की होने का संकेत माना जाता है। वही आपको लिक्विड वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। बहुत ही ये सटीक लक्षण कई महिलाओं पर सही बैठा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में आपको कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट एंड कोको कोला इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जहाँ तक कि आपको चाय कॉफ़ी से भी दूर रहेंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन कई महिलाओं की आदत होती है चाय पीने का, जो उनसे चाय की आदत छूटता नहीं है, तो आप थोड़ी सी ले सकते हैं, चाय पत्ती कम ऐड कीजिए, जिसे चाय पत्ती काफ़ी गर्म होता है, जिससे गर्भपात होने की संभावना हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान जरूर दें। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए एंड खुश से बातें, और अपने प्रेगनेंसी का बहुत ही अच्छा वाला ख्याल रखिएगा। लव यू।